प्राचीन समय की बात है। एक राजा थे और उनकी तीन बेटियां थी, तानिया, मान्या और नैना। एक दिन अपने बेटियों से कहा, लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, वे मुझे प्यार भी करते हैं और इतना सम्मान भी कि मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटियाँ मुझसे कितना प्यार करती है। पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मेरा प्यार आकाश जैसा अनंत है और स्वर्ण की भांति शुद्ध, बड़ी बेटी तान्या ने कहा। यह सुनकर राजा मुस्कुराए। पिताजी, आपके लिए मेरा प्यार सागर जैसा असीम और हीरे जैसा मूल्यवान है, मझली बेटी मान्या ने कहा। राजा प्रसन्न हुए। पिताजी, मेरा प्यार वैसे ही है जैसा एक बेटी का अपने पिता के लिए होता है, सबसे छोटी बेटी नैना ने उत्तर दिया। लेकिन तुम मुझे कितना प्यार करती हो, राजा जानना चाहते हैं। नैना सोचने लगी और फिर बोली, पिताजी, मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना हम सब खाने में नमक को करते हैं। क्या तुम मुझे केवल साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो, राजा ने फिर पूछा। हाँ पिताजी, नैना ने उत्तर दिया। राजा का क्रोध का ठिकाना न रहा, वह बहुत क्रोधित हुए और कहा, मुझे इस प्रकार अपमानित करने का फल तुम निश्चय ही भुगतोगी। उस दिन के बाद राजा न तो नैना से बात करते थे और न नैना की तरफ देखते थे और न ही उसका परवाह करते थे। समय बीतता गया और तीनों सपुत्री धीरे धीरे बड़ी हो गई। राजा ने तानिया और मान्या का विवाह बड़े बड़े उच्च राजघरानों में करा दिया। जब नैना की विवाह की बारी आई तो उसने नैना का विवाह एक भिखारी लड़के से कराकर और उसे विदा कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपने अपमान के बदले में उसे दंडित किया था, किंतु नैना ने अपना दंड बिना एक शब्द कहे स्वीकार कर लिया। नैना एक सहनशील ही नहीं बहादुर लड़की भी थी, उसे कठिनाइयों का सामना करना आता था, इसलिए अपने आप को उसने तैयार कर रखा था। सबसे पहले वह अपने पति के बारे में जानना चाहती थी कि वह कौन था। पति ने बताया कि वास्तव में वह भिखारी नहीं है, वह इस शहर में काम की तलाश में आया था और काम न मिलने के कारण उसे भूख से न रहा गया और वह भोजन की भिक्षा मांगी, तभी राजा के नौकर उसे पकड़ कर लाए और उसका विवाह करा दिया। उस नवयुवक का नाम कौशल था। कौशल नैना को पत्नी के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न था। दोनों शहर से बहुत दूर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। नैना के पास कुछ आभूषण थे, नैना ने उसे बेचकर कुछ पैसा इकट्ठा किया और अपना जीवन आरंभ की। नैना ने थोड़ा सा खेत किराए पर लिया और उस पर खेती करने लगी। सौभाग्य से उस वर्ष फसल अच्छी हुई। अब उसने उस फसल को बेचकर और ज़्यादा ज़मीन किराए पर लिया और किस्मत भी उसका साथ दिया। इस तरह उसके पास और अधिक पैसा हो गया और धीरे धीरे उसने नौकर रखना आरंभ कर दिया। अब वह खेती बहुत बड़ा विशाल रूप ले लिया था। अब पैसा इकट्ठा कर धीरे धीरे अपना खेत खरीद लिया उन्होंने और देखते ही देखते कुछ दिन बाद उन्होंने अपने लिए एक आलीशान मकान बनाया। उसमें राजमहल जैसी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराए, नौकर चाकर वगैरह वगैरह। एक दिन नैना ने अपने पति कौशल को बुलाया और कहा, बहुत दिन हो गया कोई भोज का आयोजन नहीं हुआ, चलिए ना
एक भोज का आयोजन कराते हैं और कौशल ने भी राजी हो गया। उस राज के तमाम बड़े बड़े लोगों को भोजन का निमंत्रण भेजा गया, जिसमें राजा को भी यह निमंत्रण भेजा गया। राजा ने निमंत्रण स्वीकार किया और भोज के दिन उपस्थित हुए। तमाम लोग भोज कर रहे थे, भोज शानदार था, लोगों ने भोज का भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। तभी राजा भी भोजन के लिए जाते हैं और गृहिणी और गृहपति दोनों उन्हें आदर सहित बैठाते हैं और भोजन परोसते हैं। भोजन सोने के बर्तन में था, तरह तरह के पकवान परोसे गए। राजा जब बारी बारी से भोजन को चखना आरंभ किया तो देखते हैं कि इसमें नमक नहीं है। दूसरे कटोरा से निवाला उठाते और मुंह में डालते, ये क्या, नमक नहीं। तीसरे, चौथे, पांचवे, यानी सभी भोजन में से नमक गायब था। यह देखकर राजा को बहुत क्रोधित होता है और वह जब अगल बगल अपने मित्रों को देखते हैं तो सभी बड़े मज़े से खा रहे थे और कह रहे थे, वाह क्या भोजन बना है। तो राजा को गुस्सा आता है। तभी वह गृहिणी आती है और बड़े प्यार से कहती है, महाराज क्या आपको भोजन अच्छा नहीं लगा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाते हैं और उन पर बरस उठते हैं। कहते हैं कि इस खाना में नमक कहाँ है, तुमने बिना नमक का खाना मुझे परोसा, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, मैं इस अपमान का बदला लूँगा। तब गृहिणी मुस्कुराती है और घूंघट उठाते हुए कहती है, तो आपको नमक अच्छा लगता है महाराज, इसका अर्थ हुआ कि आपके लिए वह सोने और जवाहरात से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि सोने और जवाहरात के बर्तन में मैंने भोजन परोसे थे लेकिन आपने नहीं खाया। राजा ने गृहिणी की ओर देखा और आश्चर्य का उन्हें ठिकाना नहीं रहा। अरे यह तो उसकी अपनी ही बेटी नैना थी। राजा कुछ न कह सका। पहली बार उसने अनुभव किया कि आदमी के लिए यह साधारण नमक सोने जवाहरात से भी अधिक कीमती होता है। कुछ वर्ष पहले की घटना उसे बाद याद आ गई। मेरी बच्ची नैना के साथ मैंने किस तरह मूर्खता की थी और वह कहते हैं कि मेरी बेटी मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर देना। ऐसा कहकर वह अपनी सपुत्री को गले लगा लेते हैं। तो यह था आज का वीडियो। अगर यह कहानी आपको पसंद लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।